बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि आज जो ये टाइम चल रहा है, बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है, सभी के लिए बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। तो गुरु जी के साथ जुड़ने का एक, गुरु जी इस टाइम में हमारा एक पूरा, हमें चर्न कर रहे हैं, हमारे को सब हिला रहे हैं, हमारे जैसे सिस्टम होते हैं, हमारे जैसे हम एक कंप्यूटर को रिबूट करते हैं, तो गुरु जी हमें रिबूट कर रहे हैं। और रिबूट इन द सेंस कि जो हमारा कनेक्शन गुरु जी से रहा, अभी तक का रहा, मार्च 2020 में आके जब ये सारा लॉकडाउन शुरू हुआ और सब हम घर के अंदर बैठ गए और गुरु जी के दरबार में भी नहीं जा पाए, गुरु जी के मंदिर में भी नहीं जा पाए, तो एक अलग सा कनेक्शन बन रहा है मेरा। मैं अपनी बात करता हूँ और हो सकता है मैं आप सारी संगत भी इस बात से बिल्कुल सहमत हो कि एक नया कनेक्शन, एक नया कनेक्शन, मतलब कनेक्शन तो पुराना ही है बट एक नई, एक रिजुविनेशन हो रही है गुरु जी से, एक नया कनेक्शन गुरु जी से। अब बैठने, गुरु जी के साथ बैठने का अब इतना मौका मिल रहा है कि जो पहले जिंदगी की भागदौड़ में शायद वो मौका नहीं मिलता था, और अब गुरु जी हमारे को फिर से एक नई रिबूट कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रोग्रामिंग रिबूट कर रहे हैं। गुरु जी जानते हैं, गुरु जी हमारे भगवान हैं, महाशिव हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में सुनाया था कि आई वॉज बॉर्न इन सम ईयर, सम इन 1969, एंड दैट वॉज माई बर्थ डेट, विच आई कंसिडर माई बर्थ डेट, एंड ऑन 27th of May 2003, जिस दिन मैं गुरुजी के चरणों में पहली बारी छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गया, तो दैट वॉज द डेट ऑफ माई रीबर्थ, माई री इनकारनेशन कह लीजिए, मेरा दोबारा से पुनर्जन्म हुआ इस जन्म में। तो अभी तक यही मेरे को लगता था कि वो मेरा जन्मदिन और ये मेरा पुनर्जन्म, टू से कि गुरुजी ने मेरा हाथ उस दिन से थामा। बट नो, आई एम रॉन्ग, बिकॉज अब ये जब गुरुजी ने अब ये इतने दिन अपने साथ बिठाया, मतलब गुरुजी रब हैं, गुरुजी परम शिव हैं, ये तो समझ आ गई थी। ये जब पहले मैंने जैसे शेयर किया गुरुजी रब हैं, ये समझ आ गया था कि ये सिर्फ रब ही हैं जो ये सब कर सकते हैं, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम इतने सारे जो ये चीजें हैं, गुरुजी हमारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये हमारी औकात ही नहीं है, हमारी औकात के बाहर है। तो वो तो समझ आ गया था कि गुरुजी रब हैं, गुरुजी महाशिव हैं। पर अब इन दिनों में गुरुजी ने बैठने के बाद, गुरुजी से मौका मिला जब गुरुजी के साथ रोज बातें करने का और जुड़ने का, तो एक जैसे फ्लैशबैक होती है, एक रील चल जाती है दिमाग में और एक पूरी रील चलती है कि मेरी जिंदगी में गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले भी क्या क्या हुआ। तो अगर मैं वो देखूं कि मेरा, मेरी स्कूलिंग, मेरा इन कॉलेज, मैंने इंजीनियरिंग करी पुणे से, आई वॉज अ ब्रिलियंट, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज मतलब नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, गुरु जी की कृपा ही मैं कहूंगा कि गुरु जी की कृपा रही। तो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे, एंड पुणे यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम 1986 वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी टफ यूनिवर्सिटी, एंड बहुत ही टफ करिकुलम होता था और बहुत ही मुश्किल होता था। तो आई थिंक उस समय भी गुरु जी मेरे साथ ही थे कि बड़े से बड़े दिग्गज हमारे कॉलेज में थे, बड़े मुझसे बहुत इंटेलिजेंट, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट आई वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लोगों को जो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ते भी थे, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे, उनको 5-5 साल लग गए इंजीनियरिंग करने में या टाइम लग गया कभी, पर गुरुजी ने मेरे को, मेरे जो मैंने देखा कि मैंने 4 साल में इंजीनियरिंग कर ली, और ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग रही होगी, गुरुजी की ही कृपा थी। आज मैं 100% विद कन्विक्शन आई कैन से दैट कि दैट डे ऑफ रीबर्थ जब गुरुजी ने आया, तो गुरुजी मेरे उससे पहले भी मेरे साथ थे फ्रॉम द कॉलेज आई कैन सी। एंड यस, वन मोर इंसिडेंट जो बहुत ही बड़ा इंसिडेंस था मेरी लाइफ के लिए, कि 95 में चंडीगढ़, 1995 में गुरुजी ने एक प्रोजेक्ट दिया चंडीगढ़ में, कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट अगेन, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी आल्सो वाज इन चंडीगढ़, 95, 96, 97। जैसे संगत जी से पता चला कि गुरुजी सेक्टर 33 में रहते थे वहां पे, और आते जाते रहते थे, कभी जलंधर चले गए, कभी दिल्ली बहुत कम रहे उस टाइम शायद, और जलंधर, चंडीगढ़ में भी रहे, चंडीगढ़ में भी रहे उस टाइम। तो
तो गुरुजी ने चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट, मतलब उस टाइम मुझे प्रोजेक्ट मिला 95-96 में, गुरुजी ने मकान वहां पे जहाँ किराएदार, अगर हम जैसे एज आई वॉज लुकिंग फॉर अ, बिकॉज इट वॉज अ टेम्परेरी जॉब, वन ईयर प्रोजेक्ट, सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस ऑन रेंट. तो वहां पे लोगों के अजीब से नखरे होते थे, अजीब से तेवर होते थे मकान मालिकों के, कि ये करोगे ये नहीं करोगे, ये होगा वो नहीं होगा. बट आई गॉट हाउस विच वॉज टोटली इंडिपेंडेंट, और वो भी उसका घर का नंबर अगर आज मैं देखूं 1312, उसका टोटल 7 है. तो डेफिनेटली इट वॉज, आई थिंक गुरु, आई एम श्योर इट वॉज गुरु जी वो ब्लेस मी दैट हाउस नियर टू सेक्टर 33 वेयर ही वॉज रिजाइडिंग. तो गुरु जी ने अपने पास मेरे को बुलाया उस टाइम भी, गुरु जी वहां थे और बुलाया. और जैसे ही हमने वहां पे एंटर किया, उस घर में एंटर किया, जब हमने देखा पहले दिन, तो वहां एक कॉट, बेबी कॉट पड़ी हुई थी, और पूरा घर खाली था और सिर्फ एक बेबी कॉट पड़ी हुई थी. सो दैट टाइम माई वाइफ एंड मी, हमारी अभी नई नई एक आध साल ही हुआ था शादी को, और हम वहां पे गए थे, एंड नथिंग वॉज दैट कि वी वुड, आई मीन लुकिंग फॉर अ चाइल्ड और समथिंग. बट अगेन यस, दैट वॉज अ मैसेज, दैट वॉज द वेरी फर्स्ट डे गोइंग टू अ हाउस एंड यू सीइंग अ बेबी कॉट, एंड दैट वॉज अ मैसेज कि गुरुजी ने एक बेबी ब्लेस करना था हमारे को, और उन्होंने बेबी ब्लेस किया, और वो भी चंडीगढ़ में ही किया. इन 1996 माई डॉटर वॉज बॉर्न ओवर देयर इन चंडीगढ़. अब ये और कौन कर सकता है, ये तो महाशिव ही कर सकते हैं ना, प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड वेन वी वर स्टेइंग इन दैट. सो शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड द प्रेगनेंसी वॉज, देर वॉज सम कॉम्प्लिकेशन, सो वी कंसल्टेड आर डॉक्टर इन डेली, शीला मेहरा, डॉक्टर शीला मेहरा, वेरी बिग गायनाकोलॉजिस्ट फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल, एंड शी एडवाइज सम रेस्ट एंड समथिंग. और देखिए, वी वर एट फर्स्ट फ्लोर इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम, एंड इट वॉज एन इंडिपेंडेंट हाउस, ग्राउंड फ्लोर खाली था, तो वो कॉट ऊपर से उतार के लैंडलॉर्ड ने ग्राउंड फ्लोर पे रख दी थी. तो अभी वी डिडंट न्यू कि माई वाइफ इज प्रेग्नेंट, एंड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हमें लगा कि हमारे को वो ऊपर का एरिया थोड़ा छोटा पड़ता, नीचे वॉज अ टू बेडरूम हाउस. तो वी टोल्ड द लैंडलॉर्ड दैट वी वॉन्ट टू टेक द ग्राउंड फ्लोर, एंड ही सेड कि आ जाओ ग्राउंड फ्लोर में आ जाओ. तो अगेन उसने अपनी वो कॉट शिफ्ट करके ऊपर रख दी और हमें ग्राउंड फ्लोर पे जगह दे दी. तो वो कॉट साथ साथ चल रही थी और हम ऊपर से नीचे आ गए. क्यों आ गए वो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब वो माई वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला, तो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर, सो मे बी गुरु जी न्यू दैट, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से हमें उठा के ग्राउंड फ्लोर पे ला दिया. तो अगेन ये तो गुरु जी ही कर सकते हैं, गुरु जी तो जानी जान है, तो वही उन्होंने ही, गुरु जी ने ये सब किया, और किया हम राइट टूडे इन विद कन्विक्शन आई कैन सी गुरु जी थे. एंड वेन माई डॉटर वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़, इवेंचुअली इट वॉज अगेन वी वर इन टू माइंड, दिल्ली से कराएं चंडीगढ़ से कराएं, तो इट वॉज डिसाइडेड चंडीगढ़, बिकॉज गुरु जी वॉज देयर इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम. सो वी नेवर न्यू इट, हमने कब, तब तक गुरु जी से हम मिले नहीं, हम कुछ हुआ नहीं. तो शी वॉज बॉर्न ऑन अ मंडे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड गुरु जी की मतलब ब्लेसिंग ही रही गुरु जी की, एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल. सो 2-3 दिन के बाद, मे बी इट वॉज अ थर्सडे आई सपोज, और मे बी फ्राइडे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ बुके ऑफ येलो रोजेस, अ बिग ब्यूटिफुल बुके ऑफ येलो रोजेस, विच वॉज सेंट टू आर हाउस. एंड उस टाइम 1996 में वो कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई फोन नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, तो दे वॉज जस्ट कि हाँ जी ये इस एड्रेस पे है जी, आपके लिए है, ये फ्लावर्स हैं, किसने भेजे हैं जी, फलाने ने भेजे हैं, पता नहीं किसने भेजे हैं, वहां ना उस पर कुछ नाम लिखा हुआ ना कुछ लिखा हुआ, किसने भेजे, हमें तो चंडीगढ़ में कोई जानता ही नहीं. तो हमें वो फ्लावर्स, वो ब्यूटीफुल येलो कलर के बुके कौन भेज सकता है, गुरुजी भेज सकते, गुरुजी नहीं भेजा हो. तो संगत जी, जो हम, जो मैंने अपने पुराने सत्संग में अभी शेयर किया था आपसे, तो वो मिथ्स, दैट मिथ आज गुरु, मतलब आज मैं जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, गुरुजी के साथ बैठता हूँ, तो वो मिथ ही गुरुजी ने चेंज कर दी कि नहीं, मैं, देर इज नो पुरानी ओल्ड न्यू संगत, न्यू ओल्ड नो ओल्ड संगत, आपका कब कितना कनेक्शन, जब से आप पैदा हुए हैं तब से गुरुजी के साथ कनेक्शन रहा है, या उससे पहले पिछले जन्म में, कितने जन्मों में, और आगे कितने जन्मों में रहेगा गुरुजी,
के साथ है और गुरु जी के साथ रहेगा। सुसंगत जी, जो नई संगत है वो ये ना सोचे कि गुरु जी के दर्शन, गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में उन्होंने दर्शन नहीं किए, तो इसका ये मतलब नहीं कि गुरु जी उनके साथ नहीं थे या उनके साथ नहीं हैं। मतलब हैं तो अब हैं ही हैं, गुरु जी तो अब हैं ही हैं, बट गुरु जी तब भी थे, गुरु जी अब भी हैं और गुरु जी आगे भी रहेंगे, हमारी रक्षा करते रहेंगे, हमें इस कष्ट भरे टाइम से निकालेंगे। और यकीन मानिए कि गुरु जी के साथ बैठने के बाद ये सब जाना। आज एक सुबह मैं सच एक शब्द वाणी सुन रहा था और शब्द वाणी में बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा उस व्याख्यान को। तो उसमें एक जो रागी जी थे वो बता रहे थे कि जब भगवान राम ने लंका पे अटैक किया और जब जाना था, तो उन्होंने वो एक सेतु बनाया सी समुद्र के ऊपर, वो पुल बनाया। और पुल भी कैसे बना कि वो पत्थर थे और हनुमान जी और जो पूरी उनकी सेना थी, हर पत्थर पे राम लिखती थी और वो पत्थर फेंकती थी समुद्र में और वो समुद्र में वो तैर जाता था, मतलब तर जाता था। तो जो रागी जी व्याख्यान कर रहे थे उन्होंने बताया कि सिर्फ नाम से अगर एक पत्थर तर सकता है, तो किसी ने उस टाइम राम जी से पूछा भी कि राम जी आप तो भगवान हैं, तो आपने इस समुद्र को ही क्यों नहीं सुखा दिया, आप आपके पास तो पूरी पावर है और आप तो समुद्र को भी सुखा सकते थे। तो राम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया इस चीज का भी कि अगर मैं समुद्र को सुख कहता सूख जाओ तो समुद्र सूख जाता, पर तब जो लोग थे वो उनको नाम की महिमा नहीं पता चलती, लोग फिर उस फिजिकल बॉडी जो राम जी उस टाइम थे उस बॉडी से को ही पावर समझने लगते कि वही एक पावर है। तो जैसे हमारे गुरुजी भी हमारे बीच आए, जितने भी समय के में हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत से लोगों का, बहुत सी संगत को तारा, बहुत सी संगत का कल्याण किया। पर अब उनका नाम, अब गुरुजी का नाम, जैसे वो राम नाम लिखा गया, अब गुरुजी का नाम पता नहीं कितनी कितनी संगतों को तार रहा है। आई मीन द संगत नाउ दीज डेज इज बिकमिंग एंडलेस, और गुरुजी का नाम ही संगत को तार देगा। तो आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी का नाम तारने के लिए बहुत है। तो गुरुजी के नाम से जुड़े, सिर्फ मैं क्या कहता हूं उससे ना जुड़े, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी के नाम में बहुत 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 शक्ति है। इतनी ताकत है कि हम सब तर जाएंगे, हम तर रहे हैं आज भी गुरुजी का नाम लेके। बड़ी से बड़ी मुश्किल, आज एक गाड़ी है, अगर हम दिल्ली में कहीं या कहीं भी अपने शहर में कहीं भी हम जा रहे हैं, हम किसी काम के लिए निकलते हैं और अगर हमारे को एक गाड़ी दिख जाती है जिसपे गुरुजी लिखा होता है या कोई कोई संगत मिल जाती है जो गुरुजी की संगत है, तो हम कहते हैं गुरुजी आ गए और गुरु हमारा काम तो हो गया। तो दैट इज द पावर ऑफ द नेम ऑफ आई मीन नाम की पावर, गुरुजी की पावर। अब गुरुजी अनंत, मतलब एक ऐसे रूप में, अपने फिजिकल रूप में नहीं है, अब गुरुजी अनंत रूप में है और अब अनंत इम आई इन, अब आप डिफाइन नहीं कर सकते कि गुरुजी की कितनी पावर्स हैं। तो गुरुजी के नाम से जुड़े, गुरुजी का नाम लेते रहें, प्यार से नाम बुलाएं गुरुजी को, आप अपने मन में रखें गुरुजी आएंगे। तो मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाता हूं और जय एक गुरुजी के, अभी जैसे इसी साल मेरे को एक गुरुजी के सत्संग की महिमा मैं बता देता हूं। चलो आपको गुरुजी का सत्संग, जैसे अभी हमें पीछे तो बहुत मौके मिलते थे गुरुजी के सत्संग में जाने के, और हम कभी जा पाते थे और कभी नहीं भी जा पाते थे कि गुरुजी का बुलावा है या गुरुजी का बुलावा नहीं है। पर आप यकीन माने गुरुजी के संग सत्संग में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि मैं आपको क्या बताऊंगी। आई मीन आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सत्संग की देर इज, गुरुजी की डिक्शनरी में देर इज नो वर्ड लाइक कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस तो है ही नहीं कुछ भी, एवरीथिंग इज प्लैंड एंड एवरीथिंग इज प्लैंड बाय गुरुजी, और गुरुजी को सब पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। ये पिछले साल 2019 अक्टूबर की ही बात है कि हमारे दोस्त यार, कुछ हमारे ग्रुप में दोस्त यार थे, तो उन्होंने एक हमने 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 सोचा, हमने प्लान बनाया है, हम तो उस टाइम तक यही सोच रहे थे कि हमने प्लान बनाया कि हम नेपाल चलते हैं। और क्योंकि उनमें से एक संगत परिवार ही था, बहुत हमारे प्रिय मित्र हैं वो संगत परिवार हर साल पहली तारीख को, और वहां पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का, वो भी गुरुजी का ही मंदिर है, वहां पे जाके ब्लेसिंग्स लेते हैं और
हर साल जाते हैं, हर साल पहली तारीख को वो वहीं होते हैं और वहीं कोशिश करते हैं कि वहीं पे रहें और वहीं पे मनाएं गुरुजी के साथ। तो हमने सोचा, हमने प्लान बनाया है कि हम 1 जनवरी 2020 को नेपाल में जाएंगे और पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दर्शन करके आएंगे। चलिए, वो टिकट्स बुक हो गई, सब कुछ हो गया, एंड वो दिन भी आ गया और हम पहली तारीख को, 1 जनवरी 2020 को गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। और हमारे को बहुत अच्छे दर्शन हुए पशुपतिनाथ जी मंदिर के, बहुत बहुत भोलेनाथ ने बहुत कृपा करी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम होटल में आ गए और जैसे नेपाल में जो फेमस है कसीनो, वो उसमें भी थोड़ा सा हाथ आजमा लिया हमने कि अब आए हैं तो चलो उसमें भी हाथ आजमा लें। और 2 तारीख हो गई, ऐसे 3 तारीख हो गई, 4 तारीख की हमारी वापसी थी। तब तक 3 तारीख को संगत जी हमें, तब तक 3 तारीख तक हमें कुछ नहीं पता था कि 3 तारीख को 3 बजे दोपहर में आंटी, जो सहगल आंटी, नीरू सहगल आंटी हमारे साथ गई थी, उनको एक मैसेज आया मंदिर से, गुरु जी के मंदिर से, कि गुरु जी का सत्संग है नेपाल काठमांडू में। एंड दैट वॉज द फर्स्ट सत्संग टू बी टेकिंग प्लेस इन नेपाल काठमांडू ऑन 3rd of January 2020। और वो सत्संग है और आपने वहां जाना है और आपने वहां सेवा करनी है। तो वो आंटी को ऐसे मैसेज आया, तो आंटी ने हमसे शेयर किया कि देखो ये क्या आया, ये मैसेज आया कि गुरुजी का बुलावा आया, सत्संग का बुलावा आया। तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि बताओ हम कहाँ दिल्ली में रहने वाले लोग और कहाँ एक दूसरी कंट्री, बेसिकली नेपाल, चलो इट्स अ नेबरिंग कंट्री, बट हम नेबरिंग कंट्री में बैठे हैं और गुरुजी हमें याद रख रहे हैं, और गुरुजी ने हमें याद रखा है। और याद क्या रखा है कि एक सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी किसी, जो बाद में हमें वहां, जब हम सत्संग पे गए तो हमें पता चला कि क्यों सत्संग हुआ था, वो मैं उसको बाद में शेयर करता हूँ। तो गुरुजी की देखिए प्लानिंग, हम सोच रहे हैं हमने प्लान बनाया था उस टाइम की और हम नेपाल आ गए, और नहीं, हम गुरुजी की प्लान के बगैर कुछ चलता ही नहीं है जी। मतलब आप पता नहीं चलता तो हम लोग क्या चीज हैं। तो पर अब हम सत्संग के ऊपर ही आते हैं कि उसकी सत्संग की महिमा भी मैं बताता हूं कि, तो गुरुजी ने सत्संग, गुरुजी का सत्संग गुरुजी की इच्छा से होता है। तो इट इज वॉज, मतलब आई मीन हमें तो पहले भी कभी डाउट नहीं था, बट ये एक और गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया कि देखो मेरे, मैंने सत्संग पे रहा है और मैं सत्संग में संगत को चुनता हूं, मैं सत्संग में संगत को बुलाता हूं, अपने जो जो संगत जा पहुंचती है वहां पे, ब्लेस्ड संगत, सारी ब्लेसिंग है, ब्लेस्ड संगत है, पर उसमें से जिस संगत को गुरुजी चुनते हैं वही संगत वहां पहुंच पाती है। चलिए हम वहां पे पहुंच गए, आई मीन वहां भी पहुंचे नहीं, अभी तो हम मैसेज मिला, वी वर सो एक्साइटेड कि चलो जी अब वो मैसेज में एक एड्रेस लिखा था और एक नंबर लिखा था कि इस अंकल का नंबर है, तो उन अंकल को फोन किया हमने, तो उन्होंने कहा जी ये जगह है और आप यहाँ पहुंचिए। तो हमने पूछा हम यहाँ होटल में ठहर रहे हैं तो कितनी देर लगेगी, उन्होंने कहा 1 घंटा लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम उस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं अपनी और 1 घंटे के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं और चलते हैं। तो उस दिन नेपाल में बहुत बहुत बारिश हो रही थी, बहुत गंदा मौसम, मतलब मौसम तो बहुत अच्छा सुहावना मौसम था बट बारिश हो रही थी, फॉग थी, और हिली एरिया है तो उसमें फॉग थोड़ी सी कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी धूप निकल रही है, बट मोस्टली इट वॉज रेनी। और उसमें फिर हमने टैक्सीज का अरेंजमेंट किया कि अब हमने जाना है, तो हम और भी संगत थी हमारे साथ जो गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो हम 5 लोग इकट्ठे हो गए कि हाँ जी हम 5 गुरुजी की संगत हम उधर जाएंगे। तो अब उसके लिए टैक्सीज ढूंढनी है, तो 5 लोग एक टैक्सी में तो आ नहीं सकते क्योंकि ड्राइवर भी है। तो हमने कहा चलिए 2 टैक्सीज का अरेंजमेंट करते हैं। अब जिस टैक्सी ड्राइवर को पूछे हैं वो कहे जी मेरे को तो ये जगह ही नहीं पता, ये एक जगह कहाँ है, मतलब जगह या पता भी होगी तो वो बता नहीं रहा। उसका भी रीजन है कि क्यों नहीं बता रहा, भाई ठीक है मैं बता, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं बता रहा। तो अब हमारे को वो जगह ढूंढनी है, और नेपाल में अगर GPS, वहां पे जो गूगल मैप भी अगर आप खोलेंगे तो इट इज नॉट अ रियल टाइम मैप, और इट इज बेसिकली इट गिव्स यू दी डायरेक्शन बट इट डजंट गिव यू द रियल टाइम ट्रैफिक और अरेंजमेंट। तो वो खोला तो वो बता रहा जी वही 45 मिनट के करीब
तो हमने उसको टैक्सी ड्राइवर को दिखाया कि ये जगह है, कहता जी नहीं मेरे को नहीं पता। तो हमने वो मैनेजर जो होटल के मैनेजर थे, वेरी सूटेड बूटेड जेंटलमैन, उनको पूछा कि सर मतलब मैं गया उनके पास कि इफ यू हैव टाइम तो आई लैव टू आस्क, अगर आपको पता है इस जगह का तो आप मेरे को ये जगह बताएंगे। तो जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तो मेरा स्क्रीन सेवर गुरुजी का लगा हुआ था। तो वो उन्होंने दैट जेंटलमैन दैट मैनेजर ऑफ द होटल लुक्ड एट इट और उसके मुंह से निकला जय गुरुजी, और उसने वहीं हाथ जोड़ दिए गुरुजी के स्क्रीन सेवर पे। तो आई आस्क्ड हिम, तो ही सेड कि आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूं और गुरुजी की सत्संग्स को मिस करता हूं मैं। दैट इज व्हाट ही सेड कि मैं गुरुजी के सत्संग्स को मिस कर रहा हूं, और मिस कर रहा था क्योंकि यहां नेपाल में तो होते नहीं। तो देखिए वो वर्ड गुरुजी उसने बोला कि मैं सत्संग्स को मिस कर रहा हूं, तो वो गुरुजी का सत्संग को मिस कर रहा था। और देखिए गुरुजी ने सत्संग वहां पूरा का पूरा सत्संग ही अरेंज कर दिया वहां पे। तो वो एक तो वो सत्संग गुरुजी वो बोला कि जी ठीक है जी, मैं आपको अपनी गाड़ी में, अपनी मतलब होटल की गाड़ी में मैं आपको लेके चलूंगा और हम लोग सब चलेंगे, आप चिंता ना करो वहां से, क्योंकि वापसी में आपको आने में भी दिक्कत होगी तो मैं आपको वापस वापसी भी लेके आऊंगा। तो देखिए क्या कृपा है गुरु महाराज की, देखिए गुरु जी ने जाने का भी जरिया बना दिया और आने का भी जरिया अपने साथ ही बना दिया। हम जी निकल पड़े बस गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेके, और मतलब गुरु जी का सत्संग करते करते उन्होंने अपनी गाड़ी अरेंज करी, उसमें इट वॉज अ 8 सीटर कार, उसमें सारे बैठ गए और हम सब गुरु जी के सत्संग करते हुए, शेयर करते हुए, एंजॉय करते हुए, बारिश को एंजॉय करते हुए वहां पहुंच गए जी गुरु जी के सत्संग में। तो वहां देखा गुरु जी के सत्संग में दूर दूर से, मतलब गुरु जी ने अपने कनाडा से भी संगत को भेजा हुआ है और मलेरकोटला से भी, आई मीन चंडीगढ़ से भी सत्संग संगत आई हुई है। तो हम देख के हैरान रह गए कि देखिए गुरु जी ने कहाँ कहाँ से, दूर दूर से, किस किस देश से उस सत्संग के लिए गुरु जी ने अपने संगत को चुना और वो संगत को भेजा। तो ये गुरु जी की, देखिए अपना सत्संग गुरु जी जब कराते हैं तो गुरु जी डेफिनेटली अपनी संगत को चूज करते हैं, और किस किस को ब्लेस करना है, किस किस को कैसे ब्लेस करना है, क्या सेवा देनी है, वो सब गुरु जी ही करते हैं और गुरु जी ही कराते हैं। तो संगत जी जब भी कभी आगे जब आप सत्संग शुरू होंगे तो आप यकीन मानिए गुरु जी सत्संग में तो आएंगे ही आएंगे, और आपको भी न्योता देंगे, आपको भी इन्विटेशन देंगे। तो गुरु जी जिस जिसको बुलाना है वही गुरु जी के सत्संग पे आ सकता है। अब वहां पे सत्संग पे तो हम पहुंच गए, तो हमें और आगे कुछ ज्यादा तो पता नहीं था सत्संग के, मतलब वहां पे कौन है, क्या परिवार है, क्योंकि मैसेज में आया था सिर्फ। तो वहां पे एक दिल्ली से और सनी अंकल आए हुए थे जिन्होंने वहां पे अपना सत्संग वहां शेयर किया, हम सबको मौका मिला अपना सत्संग शेयर करने का। तो वहां सनी अंकल आए हुए थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। तो मतलब आज भी अगर मैं उस सत्संग को सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी प्लानिंग गुरु जी की, इतनी इतनी कृपा गुरु जी की। तो उन्होंने जैसे बताया कि वो उनको उनके वो जो जिनके घर पे वो सत्संग था, वो उनके मित्र थे जो जो सत्संग करा रहे थे और उनको शुक्राना करने के लिए, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए करा रहे थे। उनके बेटा बीमार था, उसको वो ठीक किया गुरुजी ने, तो उसका शुक्राना करने के लिए वो सत्संग करा रहे थे गुरुजी का। तो उन्होंने वो सत्संग वो शेयर किया वहां पे कि जब उन्होंने विचार बना उनका सत्संग करने का, तो उन्होंने सनी अंकल की ड्यूटी लगाई, क्योंकि उनके घर में, उनके वहां पे नेपाल में पहला सत्संग था। तो उनको उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आप चोला गुरु जी का, गुरु जी की स्वरूप, गुरु जी के चरण, और जो जो सामान आपको सत्संग में लगता है वो आप वहां से दिल्ली से ही लेके आएंगे। तो सनी अंकल ने तैयारी करी अपनी और 3 तारीख की टिकट, जो 3 तारीख को शाम को 6 बजे का सत्संग था, 6 बजे से 8 बजे का सत्संग था। तो सनी अंकल ने तैयारी करी, सुबह 9 बजे की फ्लाइट बुक कराई दिल्ली से, मंदिर से गुरु जी का स्वरूप लिया, गुरु जी के चरण का चरण लिए और चोला खरीदा वहां से, और अपना फ्लाइट में बैठ गए 3 तारीख को सुबह 9 बजे की। मैं वहां 11 साढ़े 11 बजे फ्लाइट पहुंचेगी, उनके घर पहुंच जाऊंगा 12 साढ़े 12 बजे, और विल डू एवरीथिंग, फ्रेम करा लेंगे, संग फ्रेम संग संग जो गुरु जी का स्वरूप है सब कुछ होएगा, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। अब गुरुजी देखिए गुरुजी की महिमा, उस दिन बारिश हो रही नेपाल में, इतनी बारिश
कि मतलब हम वहां थे तो 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को कोई बारिश नहीं हुई, पर 3 तारीख को खूब बारिश, खूब बारिश, खूब फॉग, क्योंकि इट्स वॉज अ हिली एरिया, तो उस हिल्स पे तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती और लैंड नहीं करती। तो सुबह सुबह एक फ्लाइट लैंड करी वहां पे, सुबह थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, सुबह एक फ्लाइट लैंड करी। तो जो संगत चंडीगढ़ से आई हुई थी, उन्होंने बताया कि उनकी फ्लाइट सुबह लैंड करी वहां पे, और कोई फ्लाइट लैंड नहीं करी, सुबह वो फ्लाइट लैंड करी। उसमें से वो उनमें वो संगत जो चंडीगढ़ से आई थी, जो कनाडा से चंडीगढ़ आए हुए थे और वो भी आए हुए थे, तो उनकी फ्लाइट लैंड करी सुबह एक, पर सनी अंकल की फ्लाइट लैंड नहीं करी। सनी अंकल की फ्लाइट वापस गई, उस टाइम मौसम ज्यादा खराब हो गया और सनी अंकल की फ्लाइट वापस चली गई। और वो 1-1.5 बजे जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठे हैं और मतलब फ्लाइट लैंड करी है, तो उन्होंने फोन किया अपने वहीं से एयरपोर्ट से कि मेरी फ्लाइट तो भैया मैं दिल्ली वापस आ गया और 1-2 बज गए हैं, और अब मेरे को तो नहीं लगता मैं पहुंच पाऊंगा वापस, तो आप अपना अरेंजमेंट कर लो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ गुरु जी के स्वरूप का और गुरु जी के चरण का, आप चोले का ले क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, और आप सब कुछ अपना वहीं से इंतजाम कर लीजिए और अपना सत्संग शुरू कीजिए, और मंदिर से कुछ से संगत को उन्होंने बोला है कि आपके पास आएंगे और देल डू इट और वो सेवा करेंगे, या जो भी है वो आपको सब बता देंगे, या मैं फोन पे आपको बताता रहूंगा कैसे करना है सत्संग। तो उन्होंने वो लिंक भेजा, उन्होंने कुछ स्वरूप भेजे गुरुजी के, और वो उन्होंने अंकल ने फटाफट जाके बाहर से स्वरूप को फ्रेम कराया और उस स्वरूप चरण को फ्रेम कराया, और चोला के लिए जैसे जैसे उनको समझाते गए सनी अंकल, वैसे वैसे वो लेते गए। इन द मीन वाइल वहां से सनी अंकल की फ्लाइट 3-3:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट पे ही थे, और फ्लाइट ने दोबारा टेक ऑफ किया जी, कि मौसम अब ठीक हो गया है काठमांडू में। तो करते करते जी उनकी फ्लाइट लैंड करी 6-6:30 बजे काठमांडू में, 6 बजे के करीब लैंड करी। वो एयरपोर्ट से निकले, टैक्सी करी उन्होंने, और पर वो भी गुरुजी ने उनको भी पहुंचा दिया उस सत्संग के खत्म होने से पहले, या सत्संग के 7 बजे 7:30 बजे तक गुरुजी ने उनको भी पहुंचा दिया वहां पे। पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि जो वो चोला लेके गए थे, जो जो वो स्वरूप लेके गए थे, या जो वो चरण लेके गए थे, गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि मतलब गुरुजी पिक्स हिज ओन चोला फॉर सत्संग। तो गुरुजी ने वो चोला अपना मतलब नहीं पहनना था जो सनी अंकल लेके गए थे। तो गुरुजी इतना छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, मतलब अपने सत्संग में भी गुरुजी की महिमा, सत्संग की मैं कर रहा हूं कि जब गुरुजी का सत्संग हमारे होता है, हम सोचते हैं हम करा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। पहली बात तो ये यकीन मानिए, हम तो करा ही नहीं रहे हैं, करा रहे हैं गुरुजी, करा रहे हैं। और जब गुरुजी करा रहे हैं तो वो जो चोला है उसका उसका जो कौन आएगा, क्या उस संगत में सत्संग में प्रसाद बनेगा, वो सब गुरुजी करते हैं, और वो गुरुजी ने किया। इतना बढ़िया सत्संग हुआ वहां पे, मतलब आज तक मैंने जिंदगी में बहुत सारे सत्संग गुरुजी की कृपा से अटेंड करे हैं, पर उस सत्संग में जो रस था, उस सत्संग में जो मजा था, कि हम मतलब मैं बखान नहीं कर सकता, इतनी इतना इतनी ब्लेसिंग्स बरस रही थी उस परिवार के ऊपर, इतना मतलब गुरुजी ने, मतलब आप ये देखिए, जब गुरुजी ने चोला भी अपनी मर्जी का लिया, गुरुजी ने एक शॉल, यस, जैसे वो स्ट्रॉल लगाते हैं, तो क्योंकि वहां नेपाल में ठंड होती है, तो गुरुजी ने अपने लिए स्ट्रॉल की जगह शॉल भी सेलेक्ट करी। तो जब गुरुजी कराने वाले हमारी जिंदगी में सब कुछ, तो हमें चिंता करने की जरूरत ही क्या है संगत जी, कि इतनी छोटी छोटी चीज का भी ध्यान हमारे वो रब, हमारे गुरुजी महाराज, इतनी छोटी चीज का भी ध्यान, मतलब हमारी जिंदगी, मतलब हम तो फिर हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हम वी आर टोटली इन अंडर द रेडार ऑफ गुरुजी, और जहां गुरुजी ने सब कुछ ही ब्लेस करना है, तो हमें फिर ये जो महामारी जो अब फैली हुई है, कोरोना फैली हुई है, ये जो है, इससे हमें डरने की क्या जरूरत है, कि गुरुजी हैं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी आगे भी हमारे साथ हैं, चलते रहेंगे। तो मतलब गुरुजी के सत्संग की महिमा आप देखें, जब गुरुजी अपने सत्संग में इतनी ब्लेसिंग्स, इतने आशीर्वाद देते हैं, और गुरुजी के बड़े मंदिर में तो जब गुरुजी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का की ब्लेसिंग उसमें डाल दी है, और जो गुरुजी के मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी। और यस, मैं एक छोटा सा सत्संग इस चीज का भी शेयर कर देता हूं कि गुरुजी के दरबार, मतलब गुरुजी के उस से बाहर से भी निकलने से अगर
जो अगर आप बाहर निकल के भी कोई चीज मांगो, गुरुजी के मंदिर के गेट के बाहर भी आप खड़े हो और आपने कुछ मांग लिया गुरुजी से, और अगर वो आपके लिए ठीक है तो वो आपको गुरुजी जरूर देंगे। तो मैं आपको उसका भी एक छोटा सा सत्संग सुना देता हूँ कि गुरुजी तब समाधि ले चुके थे, और गुरुजी के दरबार में जैसे 2010 में 10-11 का समय होगा वो, और बहुत अब संगत जुड़नी शुरू हो गई थी दोबारा से। और थर्सडे फ्राइडे को नहीं होता था सत्संग, बट 3-4 दिन होता था, वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता था। तो एक दिन वहाँ गुरुजी के दरबार में मैं गया हुआ था, तो मेरे फादर साहब का फोन आया मेरे को। तो उनको जब पता होता था कि मैं गुरुजी के मंदिर गया हूँ, तो वो ज़्यादातर नॉर्मली फ़ोन एक बारी करके छोड़ देते थे कि अब ठीक है, जब वो बाहर आएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो जब वो बाहर आएंगे तो फ़ोन कर लेंगे। तो मैं उस दिन मैंने देखा कि उनकी एक नहीं दो तीन कॉल्स आई हुई हैं। तो मैं विद इन अभी मतलब मैं जैसे ही लंगर किया, मैं लंगर प्रसाद लेके बाहर आया, और बाहर अभी खड़ा ही था, अभी मैंने गाड़ी की तरफ नहीं गया, मैंने कहा पहले मैं फ़ोन कर लूँ कि क्या बात हो गई। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को एक कहा कि मैंने एक व्हाट्सएप पे एक वो भेजा है, मतलब एक मैंने एक मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप तो नहीं था, एक मैसेज भेजा है। उस मैसेज में कोई टेंडर, वी यूज टू डू गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो एट दैट टाइम, तो एक कोई टेंडर निकला होगा, कोई स्कूल का टेंडर होगा, कोई स्कूल का कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क होगा, काम होगा, वो उसका कोई आइटिनरी थी कि ये टेंडर है, इस दिन है और इस दिन डलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल मैंने बनाया था 1980 में, कोई स्कूल बनाया होगा उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसके साथ उनकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज इमोशंस रही होंगी कि ये स्कूल मैंने बनाया था। और उसी स्कूल की जैसे आज दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों को, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को बहुत अच्छा अपग्रेड कर दिया, तब भी एक स्कीम निकली थी 2011 में कि उस स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। तो उस स्कूल का नंबर था अपग्रेड का, तो उन्होंने मेरे को वैसे ही कह दिया कि यार ये ना काम लेना है। तो मैं कहा जी ये तो टेंडर है, अब टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा? वो कहता है नहीं, तू जहां पे खड़ा है ना, मेरे को पता है कि वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप देखिए, मैं गेट पे, गुरुजी के बाहर गेट पे खड़ा हूँ, गुरुजी अंदर महाराज बैठे हैं, समाधि ले चुके थे, पर गुरुजी तो बैठे हैं, गुरुजी तो अपने तरफ सिंहासन पे बैठे हैं, आज भी बैठे हैं गुरुजी, तो अंदर बैठे हैं। और गुरुजी ने वो बात सुन ली गुरुजी ने वो बात। और जब वो टेंडर की बारी आई, वी परचेज द टेंडर, और स्मूथली एवरीथिंग वेंट स्मूथली, और गुरुजी की कृपा से वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया, और इट वॉज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अब हमने उसका जब शुरू करने की बारी आई, तो वहाँ पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स, वट एवर, देयर इज अ हायरार्की ऑफ इंजीनियर्स इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो वॉज द मेन इंजीनियर इन चार्ज, उनका फोन आया यार कि एक तो गड़बड़ हो गई। जी क्या गड़बड़ हो गई? कहते जी वो दिल्ली गवर्नमेंट, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर होती थी, कि उनका एक सर्कुलर आया है कि ये जितने भी स्कूल की जो टेंडर थे, देवर 10 और 15 सच स्कूल्स विच वर टू बी रिफर्बिश्ड, एंड आई मीन एडिशनल उनके ऊपर 2-3 फ्लोर और बनने थे। और तो इट वॉज अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अराउंड 10-15 कॉन्ट्रैक्ट्स निकले होंगे उस टाइम। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया कि जी हम छोटे छोटे मतलब वर्क्स नहीं देंगे, इंडिविजुअल वर्क्स नहीं देंगे, विल क्लब ऑल द वर्क्स टुगेदर टू मेक इट अ बिग बिग प्रोजेक्ट, सो दैट विल ब्रिंग इन सम बिग कॉन्ट्रैक्टर लाइक L&T। और मतलब उनकी सोच ऐसी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, या कोई जो दिल्ली गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर ऐसा आया होगा कि जिसकी सोच रही होगी कि एक साथ मैं क्लब कर दूंगा उन कामों को, तो बड़ी कंपनी करेगी, जल्दी करेगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो उन्होंने वो सार कह दिया जी वो टेंडर कैंसिल हो गया, चलिए कैंसिल हो गया कोई बात नहीं। तो मेरे फादर बहुत डिसअपॉइंट हुए कि यार ये कैंसिल कैसे हो गया यार, ये तो काम करना था हमने। मैं कहा जी चलो देखो, अभी तो गुरुजी की मर्जी है, अभी तो हम ऐसे क्यों सरेंडर कर दें कि अभी हो गया। तो 2-4 दिन के बाद फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फोन आया कि यार अब अपनी अर्नेस्ट मनी जो हम टेंडर डालने के टाइम जमा कराते हैं कि आप वो ले जाओ, अभी आपका टेंडर कैंसिल हो गया। मैं कहा ठीक है जी, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। तो 2 दिन मेरे को कुछ जाने का मौका नहीं मिला, या गुरुजी ने भेजा नहीं मेरे को वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे एक हफ्ते के बाद वहाँ पे गया,
तो मैंने कहा जी लाओ मेरी अर्नेस्ट मनी दो, अब आपने टेंडर तो रिजेक्ट कर दिया। कह रहे यार एक बात बताओ कि क्यों मेरे दिमाग में आ रही है एक बात कि क्या मैं सिर्फ जो बाकी के 9 टेंडर 9 कॉन्ट्रैक्ट्स तो चलो साथ जाने दो, एक इस काम को मैं अगर अलग कर दूं किसी बहाने से, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा था एमएलए साहब का वहां के एरिया का कि यार इसको मेरे को ना इनॉग्रेट करना है, कोई इलेक्शंस आ रहे होंगे तो उनको था ये प्रेशर कि इसको इनॉग्रेट कर दो। तो उन्होंने कहा यार क्या मैं कर दूं, आपको मंजूर है आप उस रेट पे कर लोगे? मैं यार देखो गुरुजी की कृपा, मैं तो अपने फादर को वहीं से फोन किया, मैंने कहा जी देखो ये कह रहे हैं और मैंने तो हाँ कर दी, तो वी सेड यस एंड द फाइल वॉज प्रोसेस्ड किया ना जी, इनको वर्क दे दो, चीफ इंजीनियर पे पहुंची, चीफ इंजीनियर ने भी साइन कर दिया जी ओके यू कैन डू द वर्क, यू कैन स्टार्ट द वर्क, हमने इनॉग्रेशन भी कर दी जी वहां पे। तो जब वो फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गई दिल्ली गवर्नमेंट की, उसने कहा ये क्या किया आपने, उन्हें चीफ इंजीनियर को खूब झाड़ा कि इसको हटाओ ये नहीं होगा, आप इसको वापस करो, वही 10 के 10 इकट्ठे होंगे, 9 और 1 नहीं होगा। तो उसने फिर हमारे पास आके कहा यार सॉरी आप सॉरी इट इज नॉट डन। तो मैं कहा ठीक है जी अब क्या कर सकते हैं, हमने तो इनॉग्रेशन भी कर दिया, हमने खर्चा कर दिया, कहता वो पैसे आप ले लो इनॉग्रेशन के और अब इस काम को भूल जाओ, दैट इज वर्ड हिज वर्ड्स की इस काम को अब आप भूल जाओ। तो गुरु जी कहाँ बुलाने वाले हैं, गुरु जी को ने वो चीज शायद सुन ली थी मेरे फादर की वो अर्ज, मतलब जो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी गुरु जी को वो उन्होंने शायद सुन ली थी, उन्होंने नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो कराने वाले तो ऑब्वियसली महाराज ही होंगे। तो मेरे को फिर सुबह सुबह चीफ साहब का फोन आ गया कि यार ये तो कमाल हो गया यार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज हो गए तो आपकी तो लॉटरी खुल गई, करोगे काम? जी करेंगे। तो हमने फट उन्होंने फिर दोबारा से फटाफट फाइल बनाई, आई मीन दिट वॉज द थर्ड टाइम, एक बार फाइल फट रही है फिर फाइल बढ़ रही है, गवर्नमेंट में ऐसा कैसे होता है, कहाँ होता है, गवर्नमेंट में तो होता ही नहीं ऐसा कि एक बार जो फाइल पे साइन हो गया या जो एक चीज चली आ गई वो उसको आप कैसे फाड़ सकते हो, ये तो पावर देखिए अनलिमिटेड पावर्स ही है, अनलिमिटेड पावर्स अनलिमिटेड। तो अल्टीमेटली उस गुरुजी ने उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी हटाया, उसके बाद वो चीफ इंजीनियर भी रातों रात पता नहीं कैसे ट्रांसफर हो गया, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसफर हुआ तो उसको खुंदक आई है, उसको गुस्सा आया, उसने वो चीफ इंजीनियर को भी ट्रांसफर कर दिया, अब वो नया चीफ इंजीनियर आ गया वो माने ही ना, वो कहे जी नहीं अगेन 10 नो 9+1 अगेन 10, अब बताएंगे जी फिर क्या होगा, अब अगेन अब फिर मेरे वो देखिए गुरु जी की कृपा देखिए, वो जो नया चीफ इंजीनियर आया था वो सिर्फ एक दिन के लिए आया, उसका भी ट्रांसफर करा दिया गुरु जी। सो आई मीन गुरु जी को अगर आपने कोई चीज मांगी, पहले तो मांगनी नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना है हमने और मांगनी नहीं चाहिए, और अगर आपने कहीं गलती से मांग ली गुरु जी से वो चीज और गुरु जी को लगा कि वो आपके लिए ठीक है, तो आई मीन कायनात की जितनी भी फोर्सेज हैं, जितनी भी फोर्सेज, ये तो चले ह्यूमन बींग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, बट पूरी कायनात को गुरु जी लगा देते हैं उस चीज को पूरी करने के लिए, और दिस इज द पावर जो गुरु जी कहते थे कि मैंने तो गुरु जी के को बोला भी नहीं कि गुरु जी ये काम दिलवा दो, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड दैट गेट ऑफ द बड़ा मंदिर। तो यस आप गुरु जी के बड़े मंदिर के बाहर से भी निकल जाएंगे ना, और अगर आपने कुछ मांग लिया उस महाराज से तो ब्लेसिंग्स गुरु जी कहते थे बिखरी पड़ी हैं, लेने वाला चाहिए, गुरु जी कहते थे ब्लेसिंग्स बिखरी पड़ी हैं लेने वाला चाहिए, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिखरी हुई हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लीजिए, और बहुत बड़ी पावर है हमारे साथ, बहुत इतनी बड़ी पावर है कि अगेन यस देर इज नो 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 थिंग, नो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है गुरु जी के डिक्शनरी में, और जब गुरु जी ने लिख दिया तो लिख दिया। एक और लास्ट एक छोटा सा सत्संग और शेयर कर दूंगा अगर आप लोग इजाजत दें तो, कैन आई कंटिन्यू आंटी प्लीज, सोनिया आंटी इफ यू आर लिसनिंग कैन आई कंटिन्यू और शैल आई कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, आप थोड़ा सा कोई हिंट दीजिए प्लीज। सम संगत इज सेइंग यस कंटिन्यू, चलिए एक छोटा और संगत सत्संग शेयर कर देता हूँ गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से।
अगेन आई विल कम बैक टू माई आई मीन मेरी लाइफ के जितने भी, मैंने आपको जैसे बताया कि गुरुजी ने बड़े प्यार से रखा मेरे को, अब पीछे से ही रखते आ रहे हैं जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ। तो और उनको पता है ये नालायक है, इसका एग्जाम इम्तिहान में तो ये फेल हो जाएगा, तो इसका इम्तिहान नहीं लेने हैं। तो वो पास करते जाते थे, बड़े दयालु हैं मेरे गुरु महाराज। और मैं अगेन आई विल कम बैक टू 2012, और यकीन मानिए मैं 2003 से 2007 तक गुरुजी के दरबार में गया। गुरुजी ने बहुतों को तब सत्संग, जैसे किसी को खड़ा कर देते थे सत्संग सुनाने को, और अपन मतलब वो अपनी अपना जो सत्संग सुनाता था, यकीन मानिए 4 साल में मेरे को कभी गुरुजी ने ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं किसी का सत्संग सुन सकूं। और गुरुजी या तो वो एक इम्तिहान ले रहे थे या क्या ले रहे थे कि उनको कि भाई देखूं कि इसमें फेथ बनती भी है, मेरे साथ जुड़ने के लायक भी हूं मैं कि नहीं हूं लायक। तो आई मीन आई वॉज टोटली ब्लैंक, आई मीन सिर्फ माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गुरुजी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बारी जब मैं गया तो आंटी जो फर्स्ट बिफोर आई फॉरगेट, आई लाइक टू थैंक माई नेबर्स गुरु कुसुम आंटी और शबनम आंटी की, जो जिन्होंने मेरे को उस दर पे लेके गए। और मतलब मैं उनका जिंदगी भर शुक्राना करता, मतलब गुरुजी का शुक्राना एक तरफ करूंगा तो और उनका भी जिंदगी भर शुक्र गुजार रहूंगा मैं कि वो उन्होंने ऐसे दर पे मेरी एंट्री कराई कि जहां पे ब्लेसिंग्स बिखरी हुई हैं फर्श पे। तो अब जो मैं बताने जा रहा था कि जो मेरे साथ जो कभी मेरा माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज जस्ट दैट, कि मेरे को पहले दिन बस सिर्फ ये पता चला कि बहुत सुंदर गुरुजी हैं, बहुत सुंदर दरबार है, आप चलेंगे। और यस आई मैं खिंचा चला गया गुरुजी की तरफ और मैं वहां पहुंच गया गुरुजी के दरबार में। तो दैट वाज माय ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर जब मैं गुरुजी के साथ जाने लगा, वहां हर 15 दिन में गुरुजी का आदेश होता था कि हर 15 दिन में आपने आना है, और वो एक खिंचाव गुरुजी खुद ही ने इतना प्यार पैदा कर दिया था कि वो हम 15 दिन की वेट करते थे कि अब 15 दिन आए और हम जाएं वहां पे। तो अब गुरुजी के पास जैसे हम जा रहे थे तो एक ऐसा लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को लगा कि गुरुजी एक बहुत बड़े महापुरुष हैं भगवान के रूप में। तो जब गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया, तब उसके बाद वो पता चला कि मतलब वो समझ आई, क्योंकि हमारी सोच उस टाइम कुछ ऐसी रही, कुछ हम छोटी सोच के लोग हैं, नहीं पहचान पाए अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने शिव को नहीं पहचान पाए। तो दैट वॉज आर सोर्स ऑफ आई मीन इंफॉर्मेशन। एंड गुरु जी को जाना, गुरु जी से ब्लेसिंग हुई और गुरु जी ने बहुत कृपा करी कि उस टाइम इम्तिहान नहीं लिया हमारा, और हमें पास करते गए करते गए करते गए, अपने साथ जोड़ते गए, अपने अपना मेरा हाथ गुरु जी ने थाम लिया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरु जी, और बहुत शुक्राना है, जिंदगी भर शुक्राना करता रहूँ कम है। तो 2012 में मेरे जितने भी सत्संग हैं मैंने पहले भी सुनाए, तो वो 2011-12 के आसपास गुरु जी स्टार्टेड शोइंग एक्चुअल आई मीन कि मैं क्या हूँ, मैं रब हूँ। और उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया और समझ आना शुरू हुआ। तो 2012 की ही बात है कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को गुरुजी ने चंडीगढ़ का एक प्रोजेक्ट अगेन दिया 2012 में। वो क्यों दिया, अगर आप पिछला मेरा सत्संग सुनेंगे तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि जो दूसरी किसी संगत को ब्लेस करना था, उन्होंने पहले एक गार्डियन एंजल उन्होंने मेरे लिए भेजा, अपना एक गार्डियन एंजल भेजा, फिर उन्होंने मेरे जरिए या उस गार्डियन एंजल के जरिए उस संगत का कल्याण किया कि जो संगत गुरुजी से और मेरे से भी पहले से जुड़ी हुई थी। उसके लिए फिर आपको मेरा वो पुराना सत्संग सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि मैं पूरा दोबारा से वो सत्संग सुनाऊं। तो वही 2012 का टाइम था और अब वो फाइनल हो चुकी थी वो जगह जहाँ पे वो जो संगत जैन परिवार जो था और उनकी लैंड वो फाइनल हो चुकी थी गुरुजी की कृपा से। अब उसको शुरू करना था उस प्रोजेक्ट को। तो 6 अक्टूबर को गुरुजी ने डेट दी कि 6 अक्टूबर 2012 को उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन, भूमि पूजन है, भूमि पूजन शुरुआत, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। तो मैं वहां पे 3 अक्टूबर को पहुंच गया चंडीगढ़ कि अरेंजमेंट करने हैं, टेंट लगाना है वहां पे, सफाई होनी है, गुरुजी का स्वरूप बनना है, मतलब मेरे साथ था वहां पे स्थापित करना है, पूजा करनी है, एंड ऑल्सो आई हैव टू मेक अरेंजमेंट। तो मैं 2-3 दिन पहले पहुंच गया वहां पे। तो आई वाज मेकिंग अरेंजमेंट्स इन चंडीगढ़ और मैं सेक्टर 26 में मैं गया वहां पे। तो मेरी गाड़ी लगाई, तो जब मैं शाम को जब वापस आने लगा तो मेरी गाड़ी के पीछे बिल्कुल
ऑब्स्ट्रक्ट करती हुई गाड़ी खड़ी हुई थी। अब वो देखा तो किसकी गाड़ी है, पार्किंग वाले से पूछा, और उससे पहले मेरी नजर चली गई क्योंकि उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैं कही, तो अब जब जैसे गुरुजी देख लिया हमने, तो फिर हमें तो होता है कि ये तो अपनी गाड़ी है, कोई बात नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी की कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा, जी ये सामने दुकान है, इनकी मालिक हैं, इनसे आप बात कीजिए, गाड़ी अभी आप ये आप इनसे जाइए, चाबी देंगे आपको, हटा देंगे आपकी गाड़ी। तो मैं अंदर चला गया, और अंदर गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ था, वो मालिक साहब बैठे हुए थे, अंकल जी बैठे हुए थे, और स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। मैंने गुरुजी के प्रणाम किया, और उन्होंने मुझे मुझे मतलब देखा, नमस्ते, और जो भी प्लेजेंट्रीज शेयर करी हमने, और बस गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। हमारी तो आदत है, हमारी तो आदत ही ऐसी है कि बस गुरुजी का सत्संग शुरू हो जाता है जब भी हम दो संगत या कोई भी मिले, या मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी आदत बहुत ज़्यादा खराब है कि मैं गुरुजी का सत्संग शुरू कर देता हूँ बगैर देखे कि कोई अगला इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो बट गुरुजी महाराज की मेहर रही है कि अगला इंटरेस्टेड हो ही जाता है वो सत्संग मतलब सुनने में, ये मेहर रही है गुरु महाराज की। तो गुरु सत्संग शेयर हुए तो इमीडिएटली ही सेट कि ठीक है, मैं गाड़ी तो हटाता हूँ, पर आप अभी कितने दिन हो यहाँ पे चंडीगढ़? तो मैं कहा, अभी मैं हूँ। तो कहते सैटरडे है, दैट वाज अ फ्राइडे आई थिंक, जब मेरी मैं उनसे मुलाकात हुई, तो सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे चंडीगढ़ में पंचकूला में 12 सेक्टर में सत्संग होते हैं, कहता हम आना चाहेंगे। मैं कहा, यार ये तो आपने ब्लेसिंग दे दी है कि गुरुजी का सत्संग है, और आप मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं आऊंगा। मैं तो 100% ही मैं समझो पहुंच गया वहां पे, आप मेरे को एड्रेस दो। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, और मैं वहां पे 12 तारीख को पहुंच गया। वहां पे बहुत आनंद आया, बहुत पुरानी संगत से मुलाकात हुई, चंडीगढ़ की पुरानी संगत से। तो वहां पे उन्होंने मेरे को एक अश्वनी शर्मा अंकल से इंट्रोड्यूस कराया कि ये अश्वनी शर्मा अंकल हैं। तो उन्होंने ये कह के इंट्रोड्यूस कराया कि ये अश्वनी शर्मा अंकल हैं, ये कल डुगरी जा रहे हैं, आप डुगरी जाना चाहोगे? तो जंगत जी, आई वॉज शॉक्ड, आई मीन आई वॉज यू नो, मैं कभी मेरे दिमाग में ही नहीं गया कि मैं इतने साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए, और गुरुजी ने कभी मेरे को डुगरी बुलाया ही नहीं, और 2012 में गुरुजी मेरे को डुगरी बुला रहे हैं। तो आई वॉज आई मीन मैं खुशी के मारे मेरा ठिकाना ही नहीं रहा। मैं कहा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने अश्वनी अंकल को पकड़ लिया, मैंने कहा अंकल अब जाओ मत कहीं, अब मेरे को ये बताओ कि कल सुबह चलना कैसे है। और वो फर्स्ट संडे वहां पे डुगरी में खुलता है गुरुजी का दरबार। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी ऐसे ऐसे हैं, और आप मैं मोहाली में रहता हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं भी देखो गुरुजी की मेहर कि मेरे को मोहाली में ही, मैं पेइंग गेस्ट कि मतलब गेस्ट हाउस में किसी में ठहरा हुआ था। तो कहते जी चलो फिर तो बढ़िया हो गया, फिर तो मेरे घर के पास ही है, आप मेरे घर आ जाना, हम लंगर प्रसाद लेंगे और चल देंगे सुबह सुबह। मैं कही ठीक है, लंगर प्रसाद का लालच और आ गया मेरे को कि भाई मेरे को लंगर मिल रहा है सुबह सुबह गुरु जी का। तो मैं वहां सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया, उन्होंने बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद कराया, सत्संग शुरू हो गया। तो उन्होंने एक स्वरूप दिखाया उनके वहीं जहाँ डाइनिंग रूम के पास ड्राइंग रूम में एक स्वरूप लगा हुआ था। उनका जी देखो ये स्वरूप है गुरु जी का। मैं कहा, हाँ जी। कह रहे इसमें देख के बताओ कि क्या आपको क्या दिख रहा है। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, तो उसमें कुछ जैसे अमृत वर्षा हुई हो, कुछ लकीरें थी उस पे। तो मैंने कहा, जी इसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ अमृत वर्षा हुई। कहते बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, कल ही मतलब एक दिन पहले ही, कहते गुरु जी मैं यहाँ बैठा हुआ था, और एक पीले रंग की तितली आई, पीले रंग की तितली, और एक वो तितली आई, सर्कल किया गुरु जी का स्वरूप को, और गुरु जी के स्वरूप से ये दो तीन ये कुछ अमृत निकला। कहते आप भी दर्शन कर लो, मैंने भी दर्शन कर लिए, हम भी सौभाग्य हो गया हमारा कि हमने भी दर्शन कर लिए। अब उस दिन पीली तितली घूम रही पूरे दिन की, पीली तितली पीली तितली पीली तितली। चलिए उसका भी सत्संग मैं अभी आगे बताऊंगा, पीली तितली का क्या हुआ। फिर हम निकल गए वहां से, अब निकलना था, उन्होंने अपनी गाड़ी में जाना था, हमने अपनी गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी में जाना था। अब उनकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, कोई गुरुजी ने नहीं चाहते थे कि अकेले अलग अलग जाओ, सत्संग करते हुए जाओ, सत्संग शेयर करते हुए जाओ। हम जी निकल पड़े डुगरी, वहां से 1.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता है, बड़ा बहुत आनंद आया। अश्विनी अंकल आई मीन इज अ ग्रेट पर्सन, बहुत ही पुरानी ब्लेस्ड संगत है। उन्होंने अपने ऐसे ऐसे सत्संग शेयर किए कि मतलब रोंगटे खड़े हो गए, और गुरुजी के बारे में भी बताया क्योंकि वो मलेरकोटला के ही रहने वाले थे। तो बहुत मजा आया, बहुत ब्लेसिंग मिली, और पहुंचे वहाँ लंगर हुआ। अब मैं ये आपको सत्संग क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि गुरुजी की कोई भी ये मेरा डुगरी
उस दिन डेट गुरुजी ने पता नहीं कब से लिख दी थी कि मैं इस डेट 4 अक्टूबर 2012 को डुगरी आऊंगा, तो वो डेट गुरुजी ने पक्की कर दी। चार नहीं 5 अक्टूबर थी शायद, 5 अक्टूबर संडे था, इट वॉज अ संडे, कि वो डेट उन्होंने गुरुजी ने बहुत पहले फिक्स कर रखी थी, और किसके साथ आऊंगा वो भी फिक्स कर रखा था, अश्विनी शर्मा अंकल जी के साथ आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि उन्होंने कोई सत्संग, कोई ब्लेसिंग दिलवानी थी मेरे को। अब वहां पे सत्संग वहां किया, बड़ा आनंद आया, लंगर प्रसाद किया। तो लंगर प्रसाद करते करते एक दिमाग में वैसे ही एक सोच गुरुजी ने डाली कि यहाँ पे देखो दिल्ली में तो हम बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर में दिल्ली में संगत आसपास रहती है, सेवादार रहते हैं, तो वो आ जाते हैं और सेवा कर देते हैं, बट डुगरी में कैसे मैनेज करते हैं। आई वॉज रियली वेरी अप्रिशिएट, आई वॉज अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ जितने भी सेवादार थे वहां पे, और जितने भी जो मैनेजमेंट के लोग जो मैनेज कर रहे थे उसको, उस लंगर को। आई वॉज रियली अप्रिशिएटिंग एंड इट इज रियली अप्रिशिएबल कि जो डुगरी में या जो हमारे बड़े मंदिर में भी जो जो डिसिप्लिन और जो आनंद के साथ और जो बढ़िया तरीके से लंगर प्रसाद होता है, मेरे ख्याल मैंने जिंदगी में कहीं और वर्ल्ड में किसी भी जगह पे ऐसा बढ़िया अरेंजमेंट और इतना बढ़िया सुंदर चीज नहीं देखी। तो आई वॉज अप्रिशिएटिंग, आई आस्क्ड हिम कि अंकल अगर आपको पता है कि यहाँ पे कैसे मैनेज होता है, कहता है चलो आओ मैं आपको राजू अंकल से मिलाता हूँ। उन्होंने मेरे को राजू अंकल से मिलाया, कहते ये हैं जो यहाँ पे अरेंज करते हैं, ही अरेंजेस फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे सेवादार तो नहीं पहुँच पाते हैं, सुबह संगत बहुत होती है, तो अरेंजेस फ्रॉम आउटसाइड और वो जो भी है। तो मैंने कहा जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और एक सोच आई, मैंने कहा जी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ किसी तरीके से, कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि उस टाइम क्या होता है। और एक सोच गुरुजी ने ही डाली कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो उन्होंने कॉपी खोली, कॉपी खोल के 2 जनवरी 2016 कह जी आपकी सेवा हो गई। मैं कही 2 जनवरी 2016, आज अभी आप हो आप 2 जनवरी 2016, I mean, मेरे को तो समझ नहीं आई। कहते जी यहाँ पे लाइन लगती है, आप कहाँ पे क्या सोच रहे हो आप। तो मैंने कहा जी फिर मेरी सोच गलत थी, या तो कि मैं तो सोच रहा था कि मैं मुझे सेवा मिल जाएगी, और मैं I mean, कह रहे सेवा तो मिल रही है। तो मैं कहा जी अब मेरी सोच फिर बहुत छोटी, मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत छोटी सोच का आदमी हूँ। मैं कहा जी पता नहीं अब बहुत टाइम है, अभी आप ना लिखो कहीं को मैं भूल जाऊँ, कल को मैं मेरी मेरी कमी रह जाए, गुरुजी तो हैं सब कराने वाले पर मेरी कमी रह जाए तो चलिए और किसी संगत को आप ये सेवा दे दीजिएगा। और मैं माफी मांगी अपने गुरु महाराज से और उनसे, और वापस आ गया, वापिस आया। और अगले दिन हमारा वो मुहूर्त था वहां पे, अब वो पीली तितली घूम रही थी मेरे दिमाग में, पीली तितली पीली तितली पीली तितली। मैं कहा पीली तितली गुरुजी हैं, मतलब देखो सोच कितनी छोटी है कि गुरुजी तो हमारे अंदर हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, और हम गुरुजी को वही जैसे भाटिया अंकल कहते हैं कि हम कंजड़ों को गुरुजी जब तक कोई चमत्कार ना दिखाए ना तो हमें समझ नहीं आती। उनकी बात में बिल्कुल मैं 100% मैं मानता हूँ, मैं भी वो कंजड़ हूँ जो जैसे वो बताते हैं, हाँ मैं भी वो कंजड़ हूँ। मेरे को भी वो तितली देखनी थी कि मैंने गुरु जी मैंने तितली देखनी है, मैंने तितली देखनी है, मतलब मैं गुरु जी नहीं देखना है, मैंने तितली देखनी है। कि गुरु जी कह रहे मैं तो तेरे साथ हूं और तू तितली देखनी है तूने। खैर चलिए अब मैं वहां गया, तो वहां जब टेंट लगा हुआ था सब कुछ, पूजा वूजा हमने शुरू कराई, देखा वहां दूर दूर तक तितली का तो नामो निशान नहीं, कहीं कोई तितली नहीं दिख रही। इंडस्ट्रियल एरिया था वो, और फैक्ट्रियों के धुआं पोल्यूशन के अलावा वहां कोई तितली तो दिख नहीं रही। तो मैंने जी ये तो गुरुजी तितली तो देखनी है। अब पूजा में बैठा, आंखें बंद करी, पूजा शुरू हुई, और अक्टूबर का महीना अच्छा कंफर्टेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो आंखें बंद करी, कोई बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, शांत था, पूजा चल रही थी, पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो एकदम से एक ठंडी हवा का जैसे होता है ना झोंका आया, और बड़ी तेज़ ठंडी हवा आई, जबकि कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई तेज हवा चलेगी या कुछ। तो एकदम से मेरी आंख खुल गई, और जब ऐसे मैं आंख खुली तो मैंने देखा सामने जो गुरुजी का स्वरूप है उसके ऊपर एक पीली तितली घूम रही, सर्कल कर रही है जैसे वो अंकल ने बताया था, और पीली तितली जो मेरे दिमाग में घूम रही थी वो वैसे ही घूम रही है। वो घूमी तितली, पीली तितली, और बाय द टाइम आई कुड टेल समवन कि यार देखो वो तितली देखो, और वो तितली उड़ी और चली गई। तो देखिए गुरुजी हम मतलब हम कंजड़ हैं ना, जो हम छोटे छोटे मतलब हम चमत्कार मांगते हैं गुरुजी से, हमें चमत्कार की जरूरत ही नहीं है गुरुजी को, तो गुरुजी तो हमारे साथ हैं, गुरुजी तो हमारे अंदर हैं, गुरुजी तो मतलब आप यकीन मानिए क्या नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने वो भी इच्छा पूरी करी मेरी कि तूने तितली देखनी है, मैं तेनू तितली दिखावा।
तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, ऐसे भोलेनाथ, ऐसे भोले शंकर, बहुत कृपा है उनकी हमारे ऊपर। और आज सुबह से ही एक शब्द बार बार मेरे मैं सुनने को मिल रहा है, और वो शब्द भी ऐसा ही है कि भाई कह दो हर मुश्किल से कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। तो जैसे करोना है, तो करोना एक मुश्किल है, एक मुश्किल टाइम है, तो हमारा खुदा, हमारे गुरु महाराज उससे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। करोना तो एक छोटा सा वायरस है, हमारे गुरु महाराज बहुत 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 बड़े हैं। उन्होंने हर घर में अपना मंदिर बना दिया है। आज हर घर में, घर घर में लोग गुरुजी से, स्वरूप से बातें कर रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप के साथ जुड़ रहे हैं। जो गांठें हमारी जिंदगी में हमने अपने, हम वैसे रसिक बैरागी हैं, हमें काम भी करने हैं, सब कुछ है, हमारी कुछ एक्सट्रीम मतलब जैसे हमारी लाइफ में कुछ बिजी शेड्यूल रहा होगा, जो हम गुरुजी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, ये 3 महीने में गुरुजी ने घर बिठा के ऐसे ऐसे अपने हर घर में मंदिर बना दिए हैं। और मतलब सीरियसली आप, मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरा खुदा, मेरा गुरु महाराज, मेरा ईश्वर हर परेशानी से, हर कठिनाई से बहुत 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 बड़ा है। तो हमें नहीं घबराना है, किसी चीज से नहीं घबराना है। ये टाइम भी निकलेगा, गुरुजी महाराज मेहर करेंगे हम सब पे, पूरे गुरु परिवार पे मेहर करेंगे। अब गुरुजी, मैं आज्ञा चाहूंगा कि अब सत्संग तो बहुत है, और आगे भी मौका मिले मैं तो यही गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी मेरे को मौका दें सत्संग और मैं शेयर कर सकूं। आज के लिए मैं इतना ही गुरुजी का शुक्राना करूंगा कि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत मौका दिया ये सत्संग शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।